नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। टी20 क्रिकेट के एक मैच में पहली बार 500 रन बने हैं। जी हां, सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी क्योंकि इतने रन तो अमूमन टेस्ट मैच में बना करते हैं, लेकिन अब यह रिकॉर्ड टी20 में भी बना। डेवाल्ड ब्रेविस के शतक के दम पर टाइटंस ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर 271 रन बनाए। जवाब में सीएसए टी20 चैलेंज टूर्नामेंट के एक मैच में नाइट्स ने भी जोरदार संघर्ष किया, लेकिन टीम सिर्फ 9 विकेट पे 231 रन ही बना पाई। इस तरह मैच में कुल 501 रन बने। इससे पहले साल 2016 में न्यूजीलैंड में सुपर स्मैश के एक मैच में सबसे ज्यादा 497 रन बनने का रिकॉर्ड था। 19 साल के ब्रेविस ने 162 रन इस मैच में बनाए और साउथ अफ्रीका की तरफ से टी20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी वो बन गए। दिग्गज एबी डिविलियर्स भी ऐसा नहीं कर सके थे। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम से खेलने वाले डेवाल्ड ब्रेविस ने मैच में 57 गेंदों का सामना किया था और 162 रन ठोक डाले। 13 चौके और 13 छक्के उन्होंने इस पारी में लगाए। इस तरह से उन्होंने कुल 26 बाउंड्री लगाई और 130 रन केवल बाउंड्री पर ही बटोर। उनका स्ट्राइक रेट 284 का रहा। ये ओवरऑल टी20 का किसी भी खिलाड़ी का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इसके जवाब में विपक्षी टीम नाइट्स की तरफ से गिहान क्लोटे ने 51 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी टीम ये मुकाबला नहीं जीत पाई। डेवाल्ड ब्रेविस टी20 में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उन्होंने 52 गेंदों पर ऐसा किया। इसी के साथ उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 2013 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए पुणे के खिलाफ 53 गेंदों पर यह कारनामा किया था। और इसी के साथ ब्रेविस साउथ अफ्रीका की ओर से टी20 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने क्विंटन डिकॉक का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने इसी साल आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए केकेआर के खिलाफ नाबाद 140 रन बनाए थे। इससे पहले पीटर मलान ने भी साल 2014 में नाबाद 140 रन की पारी खेली थी। वहीं एबी डिविलियर्स का जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर है वो नाबाद 133 रनों का है, जो उन्होंने 2015 में आरसीबी के लिए खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। टी20 के इस अनोखे अजब गजब रिकॉर्ड पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।